अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। 1 केजी चिकन है फ्रेंड्स, इसमें मैं योगर्ट डाल रही हूँ। योगर्ट डालने के बाद इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, अच्छे क्वांटिटी में डालना है तभी टेस्ट ज़्यादा आता है अच्छा। और उसके बाद सारे मसाले मैं डालूँगी। मैंने यहाँ पे लाल लाल मिर्च डाला है और धनिया पर डालूंगी, जीरा डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डाला है मैंने। इसको अच्छे से मैं मैरिनेट करना स्टार्ट करूंगी। सारा चीज़ों को मैंने ले लिया है, अब हो गया इसमें सारा क्वांटिटी खत्म। और इसमें हम मैंने नमक भी डाला है, थोड़ा नमक भी डाला है। और अगर आप नमक अगर चाहिए तो बाद में भी उसके अकॉर्डिंग नमक आप डाल सकते हो। तो मैंने मिक्स कर लिया और मैंने 30 मिनट्स चिकन को रखा है, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा टाइम था नहीं। इसे मैं आप 2 घंटे 1 घंटे भी रख सकते हो। तो मैंने 30 मिनट्स रखा है, अब मैं स्टार्ट करूंगी चिकन बनाना। इसमें मैंने ऑयल दे दिया। मैंने हमेशा मास्टर ऑयल से ही अपना रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मास्टर ऑयल मैं सबसे ज़्यादा सब में यूज़ करती हूँ। तो मास्टर ऑयल में मैंने यहाँ सबसे पहले, और यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है और अच्छा आए। और मैंने गरम मसाले भी डालेंगे इसके बाद। तो गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया था गलती से फ्रेंड्स, तो ऐसा ना करें। तो आलू को फ्राई कर लिया है मैंने, और एक दालचीनी भी मैंने अब इसके बाद डाल रही हूँ। इसके पहले सारा गरम मसाला मैं डाल दिया था। चॉप्ड अनियन मैं डाल रही हूँ। तो चॉप्ड अनियन डालने के बाद मैं यहाँ पे बिरिस्ता नहीं बनाऊँगी, बिरिस्ता नहीं करना है मुझे। इस अनियन को फ्राई करने के बाद ही मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन को मुझे डालना है। चिकन अनियन मेरे फ्राई हो चुके हैं, सारा चिकन मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जब तक पानी इसमें छोड़ देगा, उसके बाद ऑयल ना छोड़े, तब तक इसको अब मुझे फ्राई करेंगे। और मैं ढक के इसके लीड लगा के बस ये मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी पानी चिकन में से निकला है फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोग बंगाली में चिकन कौशा बोलते हैं, तो उसी तरह इसको बस वही टाइप है। और ये सनराइज़ का गरम मसाला, लास्ट टाइम में सनराइज़ का मैं गरम मसाला इसमें ऐड की हूँ। फिर मिक्स कर डालूँगी, और 4-5, जैसे आप तीखा खा सकते हो वैसे अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालिए। तो मैंने भी 4-5 हरी मिर्च यहाँ डाली हैं। फिर लिड बंद कर दिया है, और उसके बाद मेरा चिकन अब शायद रेडी हो चुका है। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पीसेस ग्रेवी के साथ मैं निकाल रही हूँ जो बिरयानी के लिए आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसको निकाल रही हूँ। ये आप अलग से खा सकते हो, ले सकते हो बिरयानी के साथ या फिर रोटी के साथ, एनीथिंग। तो कुछ पीसेस मैं यहाँ निकाल रही हूँ। अब मैं लेयर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये यह मैं यहाँ पे घी डाल के ग्रीस कर लिया है, जिसमें मैंने चावल को पकाया था उसमें मैंने ग्रीस कर लिया है घी को। अब मैं इसके लेयर को बनाना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने चावल का लेयर किया है, सारा चावल नीचे डाल दूंगी, नीचे बटन पे। इसके ऊपर कुछ चिकन के पीसेस डालूंगी। दो चार चिकन के पीसेस डाल लिया, आलू डाल लिए, तो यहाँ पे कि ये चिकन मैंने दे दिया है एक लेयर पे। इसके ऊपर फिर चावल डाल रही हूँ, चावल से इस चिकन को ढक दूंगी। अब इसके बाद मैं डालूंगी केवड़ा वाटर, रोज एसेंस और इतर। अब मुझे बिरयानी मसाला भी डालना है इसमें। घी डाला है मैंने ऊपर में, ये रहा रोज एसेंस, ये रहा मेरा इत्र।
जब तक ये नहीं डाला जाए तो बिरयानी का असली स्वाद जो है, टेस्ट है, वो उभर कर नहीं आता है। मैंने इतना डाला है, 3-4 डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। बहुत कोई रोज़ ऐसे डालते नहीं हैं, उनके फ्लेवर अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने डाला है। अब मैं ऊपर का लास्ट जो चिकन मेरा और जितना लेफ्ट था वो मैंने दिया, इसके लेयर के ऊपर मैं चावल डाल दूंगी और मेरा बिरयानी हो जाएगा रेडी। ये मैंने गरम मसाला डाला है, एवरेस्ट का गरम मसाला है फ्रेंड्स, सॉरी गरम मसाला नहीं है, बिरयानी मसाला है। मेरा बिरयानी अब लास्ट पोजीशन में है और ये बन के रेडी हो गया एंड रेडी टू सर्व, सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप लोग अभी संडे अच्छा हो, और आज संडे है तो आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट करूँगी। क्या बनाऊँगी? उप्पा बनाऊँगी। बहुत दिन के बाद ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आप जानते हो कि अब लोग ब्रेकफास्ट जल्दी मैं बनाती नहीं हूँ, जो भी रहता है मैं वहीं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। तो आज बनाऊँगी उपमा। एंड अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, घर में मेरा जो भी छोटा मोटा जो भी मेरा जो ग्लास होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि उस ग्लास में ही मैं चाय पीती हूँ। आज मैं आपको अपनी चाय की क्वांटिटी दिखा रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स एक्चुअली। ये ग्लास थोड़ा गंदी लग रही है, लेकिन नो वे, हम मैं दूसरा बना लूँगी, लेकिन थोड़ी सी हल्का सा गंदी है, यूज़ नहीं करती हूँ इसीलिए। तो ये क्वांटिटी है मेरे चाय की, यह है ब्लैक टी। मैं खाली पेट ब्लैक टी लेती हूँ। और दूसरी बात है कि ग्रीन टी का क्वांटिटी जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है मेरा, और मिल्क वाला जो टी होता है वो भी इससे कम होता है फ्रेंड्स। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, पहले बोलती हूँ मुझे या तो ब्लैक टी दो या फिर मत दो, दूध वाली चाय ना मैं हमेशा नहीं पीती हूँ। तो ये क्वांटिटी है मेरी चाय की। सुबह हो जाता है, मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, लेकिन सारा घर का काम करके, पूजा करके, नहा के पूजा करके, सब कुछ करके तब मैं बैठती हूँ चाय लेकर। सुबह टाइम मिलता नहीं, सुबह चाय नहीं लेती हूँ। ऐसे भी चाय का मैं शौकीन हूँ भी नहीं कि बार बार चाय लेते रहूँ। तो ये और थोड़ा चाय ले लिया, बिस्किट ले लिया, उसके बाद मैं जाऊँगी उपमा बनाने, वही मैं शेयर करती हूँ। उपमा बनाने के बाद आज है लंच में सबका फरमाइश, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का बिरयानी। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो आज बिरयानी बनाना है, वही मैं आप लोग शेयर करूँगी। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, उसके बाद शायद मैं इवनिंग का आपके साथ शूट कर वीडियो बना सकूँ, आप लोग साथ बात कर सकूँ, पता नहीं, क्योंकि मुझे एक रिलेटिव के पास जाना है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जब किसी समय थोड़ा ख़राब चलता है, यानी उसकी तबीयत ख़राब होती है कुछ भी, तो आई थिंक मिलने जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुशियाँ, जब खुशी कोई बात होती है तो हम लोग बहुत ज़ोर से कहते हैं, खुश हो जाते हैं, सबका शेयर करते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो उस दुख की घड़ी में उसको भी शेयर करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ करे या ना करे एक सिंपैथी जरूर दे सकते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, उसके मनोबल बढ़ता है और आई थिंक अच्छा भी होता है। तो ये सारा काम करके टोटल शेड्यूल आप लोगों को दिखा के लंच एंड ब्रेकफास्ट भी तैयार करके आप लोग शेयर करके उसके बाद मैं जाऊँगी। एंड अगर हो सके तो मैं इवनिंग आप लोग के साथ रहूँगी, अदरवाइज फ्रेंड्स मैं वहीं से अपना ब्लॉग बंद करना चाहूँगी आज। सो गाइज प्लीज़ डोंट माइंड। इसमें मीठा भी बहुत कम है। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जो चाय वो लेते हैं ये वाला। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आ गई हूँ, बाहर का सारा वर्क कर लिया, ख़त्म हो गया सब कुछ कंप्लीट, बस अब घर का काम करना है। सारा चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है, सबको सरियाना है। आप पीछे देख रहे हो मेरा पिलो दिखाई अगर दे रहा हो तो, इधर उधर है मेरा तकिया सब, तो उसे सरियाना है। और डिनर में कुछ नहीं बनाना है,
डिनर में कुछ नहीं बनाना है क्योंकि बिरयानी रखी हुई है, रोटी बनानी है और थोड़ा सा चिकन मैंने अलग से उठा के रखा था निकाल के ग्रेवी के साथ, तो बस हो गया और कुछ नहीं करना है। और आप लोगों को बताया था कि एक रिलेटिव उसके पास जाना था, उनकी तबीयत ख़राब थी तो देख कर आई, तो सब हो गया। बस घर को सरसरियाना है और काफ़ी काम थोड़ा बहुत मतलब डिनर के अलावा काफ़ी काम थोड़ा सा रह गया है, वो सब करना है। और मैं शॉप गई थी तो कुछ नहीं लिया, बस एक ही चीज़ लिया, ये मदर रेसिपी का ये मैंने ग्रीन चिली पिकल्स ली है, क्योंकि मैं बिना हरा मिर्च के साथ या फिर ये अचार के साथ मैं बिल्कुल खा नहीं सकती हूँ, तो बस यही लिया और कुछ नहीं ख़रीदा है। तो ओके गाइस, मुझे आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।